संदीप जी, चुनाव प्रचार चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी, सबसे बड़ा जो आज मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, और बेरोजगारी इस तरह से फैल चुकी है कि हरियाणा के जो पीछे आंकड़े थे अब तक के इतिहास के बेरोजगारी के सारे हरियाणा तोड़ चुका है। हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी की मार से हर युवा परेशान है, क्योंकि वो बेरोजगार घूम रहा है, घर में उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं, बहुत सारे बच्चे जो डिप्रेशन के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि वो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर इतना खर्च कर दिया है, उनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, जो उनके माता पिता हैं, वो बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके हैं। संदीप जी, आपको लगता है कि क्योंकि भाजपा 75 बार की बात कर रही है, तो आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, आपकी पार्टी को? देखिए, अगर लोगों की बात की जाए तो जगह जगह जिस तरह का विरोध हो रहा है, जिस तरह के लोग सामने आ रहे हैं, तो ये सरकार कहीं ना कहीं घमंड में चूर है कि हम 75 पार हैं। लेकिन धरातल पे अगर आप चीजें देखेंगे तो लोगों के मन में जो भावना है वो कुछ और ही कहती है। तो कहीं ना कहीं आप खुद समझ सकते हैं कि 75 पार का मतलब सिर्फ ये है कि जो पहले एक आदमी पे जो कर्जा हुआ करता था वो आज बढ़ के 63,000 रुपए के आसपास हो चुका है। अब वो आने वाले टाइम में अगर इस तरह से फिर मौका दिया गया तो वो 75 पार हो जाएगा। संदीप जी, आप गांव में जा रहे हो, आपको किस तरह से मतलब समर्थन मिल रहा है कि आप जीत पाओगे सीधी सीधी? जी बिल्कुल, हम जीतेंगे, और जिस तरह के लोगों की जो चाहत है, क्योंकि लोगों ने हर बार किसी राजनेता को चुना है, हर बार किसी ऐसे लोगों को चुना है जो सत्ता के लोभ में है, हर बार ऐसे लोगों को उनकी बातों में आके ऐसे लोगों को चुना है जो दिल से शिद्दत से क्षेत्र के लिए काम नहीं करना चाहते। इस बार लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़का हमारे बीच में आया है, युवा है, शिक्षित है, और जो क्षेत्र की आवाज़ को पूरी दुनिया में उठा सकता है, और हमारे बीच से है, लोगों को ये एहसास है कि हम इसका कान पकड़ के काम करवा सकते हैं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है इसके साथ। दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में अपना वर्चस्व रखने वाले रामपुरा हाउस एक तरफ तो बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रामपुरा हाउस के खुद के युवराज खड़े हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, वो उनका काम है, वो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने काम पर फोकस है, हम सिर्फ अटेली क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उस पर फोकस है कि हम इनके लिए काम करना है, इनके लिए कुछ करना है, और जब इनके जीवन के अंदर कुछ बदलाव कर पाएंगे, जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो नौजवान हो चाहे किसान हो, और अगर उन लोगों के जीवन में बदलाव कर पाए, असल मायने में वही सफलता हमारे लिए है। अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी मैं मानना चाहता हूँ, जो मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई देती है वो इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने की है, क्योंकि 50 सालों से पीछे जब से अटेली हल्का बना है तब से यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा उन्हीं चुनाव मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस चीज को कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे इस क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी के मुद्दे को, कैसे इस क्षेत्र की जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुरक्षा का मामला है, जो किसानों का मामला है, इन सारी चीज़ों के लिए हम अच्छा कर पाए। संदीप जी, पीछे सरकार ने किया कि सरपंचों की जो एजुकेशन है वो 10वीं पास निर्धारित की, एक विधायक की कितनी एजुकेशन कम से कम होनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से सरपंच की अगर 10वीं क्लास पास है कि कम से कम 10वीं क्लास पास होना चाहिए सरपंच, तो मुझे लगता है कि विधायक के लिए कम से कम ग्रेजुएशन तो साथ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो नियुक्त किया है सीताराम जी, उनकी एजुकेशन 10वीं कक्षा बताई जा रही है, तो आप इसमें कुछ कहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है पार्टी का, उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। मुझे लगता है कि उनके पास में कोई काबिल कैंडिडेट नहीं था, कोई काबिल उम्मीदवार नहीं था। देखिए, जब आप पीयून की भर्ती कर रहे हैं, डी ग्रुप की भर्ती कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक MBA हो गया, आपका MSc हो गया, आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो है, तो उन स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है, उनका भी प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। तो हमारे जो ये नेता हैं, ये अनपढ़ क्यों भर्ती किए जा रहे हैं, किस लिए बुलाया जा रहा है इनको, किस लिए इनको इकट्ठा किया जा रहा है? हमारे नेता शिक्षित नहीं है, हर जगह आप शिक्षित लोगों की बात करते हो, तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर अच्छा नेतृत्व हमें चाहिए तो एक शिक्षित, एक पढ़ा लिखा, और एक जो दिमाग से बहुत ही संतुलित, जो सोच समझ के दूरदर्शी हो, जिसका माइंड क्रिएटिव हो, रचनात्मक मस्तिष्क हो, ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार इन्होंने बनाना चाहिए था, जो कि इनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। थैंक यू सर।